हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सिविल ट्रेनर में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बुर्ज खलीफा बिल्डिंग के बारे में ए टू जेड कंप्लीट डिटेल दूंगा। दोस्तों एज ए सिविल इंजीनियर हम सबको बुर्ज खलीफा बिल्डिंग के बारे में सभी बातों का पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा के बारे में, जिसके बनने से पहले शायद ही किसी ने सोचा होगा कि हम सिविल इंजीनियर्स इतनी ऊंची बिल्डिंग को भी बना सकते हैं। इस बिल्डिंग को कंप्लीट करने में लगभग 11,500 मैन पावर लगी, जिन्होंने रात दिन काम किया। इसके लिए कुछ क्रेन और कुछ मशीनरी स्पेशल इसी प्रोजेक्ट के लिए बनाई गई थी। दोस्तों 163 मंजिला इस इमारत की ऊंचाई लगभग 830 मीटर है। तो दोस्तों कोशिश करते हैं इस बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को विस्तार से जानने की। तब तक दोस्तों आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं हमारे मेन टॉपिक की ओर। दोस्तों बुर्ज खलीफा बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन 6 जनवरी 2004 को स्टार्ट किया गया, बट देखा जाए तो इसका एक्सटीरियर कंस्ट्रक्शन 1 अक्टूबर 2009 तक कंप्लीट किया गया। मींस इस इमारत को पूरी तरह से ओपन करने में लगभग 6 साल लगे, यानी कि 4 जनवरी 2010 को इसको पूरी तरह से ओपन कर लिया गया। दोस्तों देखा जाए तो यह टावर स्ट्रक्चर 828 मीटर इसकी हाइट है, यानी कि 2723 फीट इसकी ऊंचाई है, जो टोटली रेनफोर्समेंट कॉन्क्रीट टावर स्ट्रक्चर है, जो कि देखा जाए तो दुनिया के इतिहास में इतना ऊंचा स्ट्रक्चर टावर बनाने की सबसे पहली कोशिश की गई थी। इसी वजह से बुर्ज खलीफा के इस स्ट्रक्चर में वन ऑफ द बेस्ट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज किया गया। चलिए बात करते हैं इसके प्रोजेक्ट डिटेल की। दोस्तों ये टावर स्ट्रक्चर यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात के दुबई में स्थित है, जिसमें 160 प्लस ओडियम टावर है। ओडियम स्ट्रक्चर 6 मंजिला ऑफिस बेसिक और 2 मंजिला पूल की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। दोस्तों इस टावर का क्षेत्रफल यानी कि एरिया लगभग 281,000 स्क्वायर मीटर है, जिसमें सिर्फ 45 से 108 फ्लोर तक 700 रेजिडेंशियल अपार्टमेंट है। बाकी के रिमेनिंग स्पेस में 160 फ्लोर तक कॉरपोरेट ऑफिस के लिए जगह छोड़ी गई है। अकेले इस प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट 19 से 20 बिलियन डॉलर बताई गई है, जिसमें सिर्फ टावर कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट लगभग 4.5 यानी कि 4.5 बिलियन डॉलर थी। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस स्ट्रक्चर के अलाइनमेंट और उसकी क्वांटिटी के बारे में। दोस्तों इस स्ट्रक्चर में लगभग 26,000 क्यूबिक मीटर कंक्रीट का यूज किया गया। इसके कर्टन वॉल में 83,500 स्क्वायर मीटर ग्लास और 28,000 स्क्वायर मीटर मेटल का यूज किया गया, जिसमें लगभग 39,000 टन स्टील मीन्स सरिया यूज किया गया। अब बात करते हैं इसमें लगने वाली मैन पावर की। तो दोस्तों इस स्ट्रक्चर को कंप्लीट करने में लगभग 11,500 कारीगरों ने दिन रात काम किया है। चलिए अब देखते हैं बुर्ज खलीफा बिल्डिंग के स्ट्रक्चर और आर्किटेक्चर डिजाइन को कैसे तैयार किया गया। दोस्तों आपको बता देना चाहता हूँ कि इस स्ट्रक्चर में C60 और C80 की क्यूब स्ट्रेंथ वाली कंक्रीट यूज की गई थी, और इसी के साथ 600 मीटर हाइट तक एक ही सिंगल स्टेज में कंक्रीट पोरिंग के लिए वर्ल्ड के 2 सबसे बड़े पंप भी इसमें यूज किए गए, क्योंकि दुबई में दिन के समय बहुत ज्यादा टेम्परेचर रहता है, इसलिए श्रिंकेज के कारण क्रैश के चांसेस बहुत ज्यादा बन जाते हैं। तो दोस्तों कंक्रीट प्रोसेस रात के समय में ही ठंडे टेम्परेचर में किया गया। अब दोस्तों लास्ट में हम बात करते हैं बुर्ज खलीफा के फाउंडेशन के बारे में, इस स्ट्रक्चर का जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। दोस्तों यह सुपर स्ट्रक्चर एक बहुत ही बड़ी कॉन्क्रीट राफ्ट पर रेस्ट किया गया है, जो कि राफ्ट कॉन्क्रीट पायल पर सपोर्टेड है, जो कि सिर्फ राफ्ट की थिकनेस ही सिर्फ 3.7 मीटर है। राफ्ट की कंक्रीट का वॉल्यूम लगभग 12,500 क्यूबिक मीटर था, जिसमें 194 पाइल्स को यूज किया गया, और हर एक पाइल का डाया लगभग 1.5 मीटर है और लेंथ 43 मीटर तक थी। हर पाइल की कैपेसिटी लगभग 3,000 टन तक थी। तो यह है वर्ल्ड की सबसे ऊंची बिल्डिंग की कंप्लीट डिटेल। दोस्तों एज ए सिविल इंजीनियर या फिर एज ए साइट इंजीनियर हम सबको बुर्ज खलीफा बिल्डिंग के बारे में सभी बातों का पता होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और नए वीडियो में एक और नए वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक दोस्तों आप सबको मेरा नमस्कार।